नहीं जाना क्या? इतनी टाइम हो गया, क्या हुआ आपको? क्या दिमाग खराब किया हुआ है तुमने? क्या हुआ? थोड़ा सा भी सुकून नहीं करने देती तुम। रात को सारी रात लाइट नहीं होती, मच्छर काटते हैं, सुबह आप आकर उठा देती है। काम पे जाओ, काम पे जाओ। क्या काम करूं मैं? काम नहीं करना क्या? रोजाना तेरे सामने काम पर जाता हूँ, काम ना लगे इसमें मेरा क्या कसूर है? तो मेरा तो फर्ज है ना उठाना आपको। अपना फर्ज अपने पास रखो और मुझे तंग नहीं करो प्लीज। जाओ अपना काम करो, जाओ। एक तो काम नहीं लगता, एक सुबह सुबह परेशान कर देती हैं, सोने भी नहीं देती। टाइम तो देखो बहुत ज्यादा हो गया। मैंने देख लिया टाइम, अब निकल जा, जा अब। इसमें मेरा क्या कसूर है? जब भी मैं उठाने जाती हूँ ये मुझसे झगड़ा करता है। मेरा तो फर्ज है ना रोटी देना, उठाना, काम पे रवाना करना। जब भी मैं इसके पास जाती हूँ उठाने के लिए ये मेरे साथ गुस्सा करता है। पहले तो ऐसे कभी नहीं हुआ था, पर अब पता नहीं क्या हो गया। जब भी मैं जाती हूँ ये मुझसे बहुत गुस्सा करता है, पता नहीं क्या है। सुबह सुबह आगे दिमाग खराब कर दिया। अब ये टाइम है उठने का, मेरे ख्याल में 12 बज गए हैं। अब उठते हैं, खाना भी तैयार किया होगा उसने, तो खाना भी खाते हैं, सुकून से भी सो जाते हैं। बेगम भी ना बीवियां सर पे चढ़ गई हैं। वैसे सोने दो बंदे को, काम पे जाओ। कैसे काम पे जाएं? काम है नहीं और ये कहती हैं काम पे जाएं। घर बैठ के ये बातें कर सकती हैं और कुछ नहीं कर सकती हैं। ये क्या हो रहा है? किस लिए चला रही हो? तुम पे लदा करती हो? नहीं। जब भी देखो कंप्यूटर चला रही है, जब भी देखो कंप्यूटर। और तुझे कोई काम है? काम तो मैंने सुबह सारा कर लिया था, अभी एक बजने वाला था, तो मैंने सोचा कि अपनी पुराने वाली वीडियो देख लूं, ये शादी वाली वीडियो से। वो भी चला रही हूं, अभी चल नहीं रहा। कोई जरूरत नहीं है वीडियो देखने की। तो अभी दोपहर का टाइम है, खाना बनाया तुमने? तो फिर मैं सुबह वाला खाना खाऊं? अभी तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सुबह वाला खाना अब खाऊं मैं? एक बजने वाला है, अभी नहीं पकाया तुमने? नहीं, सुबह बनाया। सुबह बनाया था, भूख से बुरा हाल है, कभी तक नहीं पूछा आपने। ले आ जो भी है ना, ले आ मुझे जल्दी दे। अच्छा, जा रही हूँ, दिमाग खराब करके रखा हुआ है इन्होंने। ये क्या है? जो कुछ घर में मौजूद था वो मैं ले आई हूँ। ये मिर्ची मौजूद है और कुछ नहीं मौजूद है? क्या करके देते हो हमें? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं था तो मैं ले आई हूँ। नहीं, कल वाला सालन किधर है? रात वाला किधर है? तो रोज वो रात खाया तो था। तुमने खाने की भी ना हद कर दी है तुमने। इसके ऊपर दाल ना, पानी के गिलास ले आ। नहीं, ये मैं कैसे खाऊं? कैसे खाऊं मैं ये? ले जाओ अपनी, कुछ भी नहीं खाना मुझे। ले जाओ ये भी ले जाओ। खाना देती हो? रात का खाना मेरे ख्याल, रात का जो खाना था ना सुबह खुद खा लिया, मेरे लिए कुछ भी नहीं था। भूखी मारेगी ये औरत ना, भूखी मारेगी मुझे। शाम का वक्त हो गया है, टाइम
अब घर में भी कुछ नहीं है, ये सुबह का नाराज होके गया है, कुछ लेकर भी नहीं दिया और अभी तक आया भी नहीं, क्या करूँ मैं, कुछ लेकर भी नहीं देता, फिर कहता खाना तो नहीं दिया आपने, इसमें मेरा क्या कसूर है। क्या लेकर आता? पकाना नहीं है। पकाना मैंने है, तुमने पकाना है, मुझे ये बता, मैंने पकाना है, तुमने पकाना है? मुझे ना कहूँ तो किसको कहूँ, मैंने पकाना है, तुमने पकाना है? मेरा क्या कसूर है? सब तेरा कसूर है, सब तेरा कसूर है, तू नहीं बना के देती। आप लेकर कुछ देते नहीं। दिमाग मेरा खराब मत करो, तुम दिमाग मेरा खराब मत करो, ठीक है? इतना तुम क्यों ऐसे करती हो, क्यों बोलती हो? मेरा दिमाग खराब मत करो, अपना काम करो। कहाँ से मैं लेके दूँ? कुछ है मैं क्या लेकर दूँ तुझे? कहाँ से कमा कर दूँ? ज्यादा बातें नहीं करनी मेरे साथ, हर साथ मेरे साथ। घर में पता नहीं हो क्या गया है, ना हस्बैंड का मुकाम लगता है, ना घर में खाने को है कुछ, ना पीने को, पता नहीं हो क्या गया है, क्या करूं अब मैं, कुछ भी नहीं है हमारे खाने को। अच्छा या अल्लाह, तेरा शुक्रिया अदा करती हूँ मैं, और जाती हूँ किसी अल्लाह के नेक बंदे के पास, पूछती हूँ कि ये क्या माजरा है, कुछ भी नहीं है हमारे घर। वालेकुम सलाम बेटा, वालेकुम सलाम, अल्लाह पाक का शुक्र है, शुक्र है रब पाक का, अल्लाह की जात का शुक्र है। आप सुनाओ बेटा। मैं ठीक। क्या परेशानी है बेटा? परेशान हूँ तो आपके पास आई हूँ बाबा। अल्लाह अल्लाह दूर करे सबकी परेशानियों को, अल्लाह दूर करे। बताओ बेटा बताओ। अल्लाह पता नहीं क्या है हमारे घर में, ना कुछ खाने का, ना मेरे हस्बैंड का कोई काम लगता है, ना कुछ भी नहीं है हमारे घर। अल्लाह अल्लाह। अच्छा इसलिए मैं आपके पास आई हूँ बाबा। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह पाक पर भरोसा रखो बेटा, अल्लाह पाक पर भरोसा रखो। कितनी फैमिली है आपकी? बस दो है, बच्चा तो एक है मेरा जो दूध पीने वाला है, बस एक मैं और मेरा हस्बैंड। दो बंदे सिर्फ? जी। फिर भी फाका कशी? जी। अल्लाह अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत। नमाज पढ़ते हो बाकायदगी से, पाबंदी से? 5 वक्त नमाज पढ़ते हो दोनों मियां बीवी? नहीं कभी कभी पढ़ते हैं। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तभी तो अल्लाह पाक आपको कभी कभी देता है खाने को, अभी तो फाका कशी है बेटा जी। बेटा जी आप ऐसा करें जी, बताएं कि 5 वक्त की नमाज पढ़ा करें, कुरान पाक की तिलावत किया करें, अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया करें, अल्लाह पाक देगा। मैं भी गुनाहगार हूँ, मैं किसी को क्या दूंगा, मैं भी अल्लाह से मांगने वाला एक फकीर अदना सा गुलाम हूँ। ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता रहता हूँ, आप भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विर्द किया करें बेटा, अल्लाह पाक देगा, अल्लाह पाक देगा, अल्लाह पाक देगा।
है बेटा, सुकून से जाओ, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह पाक देगा। माशाल्लाह, आमीन आमीन। अल्लाह अल्लाह। बाबा तो सही कहता था, पांच वक्त की नमाज पढ़ा करें। अच्छा खैर, अब तो जुहर की नमाज का टाइम हो गया, जाती हूँ नमाज पढ़ती हूँ। मेरी जेब में पता है कितने पैसे हैं? 20,000 है। अरे वाह। हाँ जी, उसकी पता है क्या वजह है? हाँ जी, मेरी जॉब लग गई है। माशाल्लाह। हाँ जी, मेरी जॉब लग गई है और उन्होंने 20,000 एडवांस दिया है और कहा है कि ईद के बाद आपने काम पर आना है। और उन्होंने कहा ये जो 20,000 है, घर जाके बच्चों के कपड़े लो, घर का राशन लो, ईद के बाद सुकून से काम पर आ जाना। और ये 20,000 जो एडवांस अभी है, मैंने आपसे दुआ मांगी है, आपने अभी कबूल कर मेरे हस्बैंड की जॉब भी ला दी और उन्होंने एडवांस 20,000 भी दे दिया। आपका बहुत बहुत लाख लाख शुक्रिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप ये दुआ कबूल हुई, आपने दुआ की थी क्या? हाँ जी। कैसी दुआ की थी? बहुत ज्यादा दुआ मांगी थी मैंने। तभी तो अल्लाह पाक ने सुना है, वो कहते हैं ना, अल्लाह पाक से मांगो, जो कुछ भी मांगो ना अल्लाह पाक अता कर देता है। हमने कभी अल्लाह पाक से मांगा नहीं। मैं भी तो नमाज पढ़ के सोई हूँ। माशाल्लाह। तो पता है क्या है, यही कहते हैं ना कि अल्लाह पाक से मांगो, जो कुछ भी मांगो अल्लाह पाक से मांगो। और देखो अल्लाह पाक से आपने मांगा है ना, तो अल्लाह पाक ने देखो दे भी दिया। तो ये अल्लाह पाक तेरा लाख लाख शुक्र है। मेरा मालिक तो सबकी परेशानियों को दूर फरमा, जिनके भी ऐसे हालात हैं सबको हर मुश्किल जो है उनकी आसान। आमीन आमीन सुमा आमीन या रब्बुल आलमीन या रहमतुल लिल आलमीन। चलो आप रेडी हो जाओ, मैं ले आता हूँ सामान और आज पकाते हैं कोरमा। कोरमा ठीक है, मैं गोश्त लेकर आता हूँ और तुम अपने बर्तन रेडी करो और बेबो को न्यू कॉटन का सूट बनाओ, क्योंकि आप वो नौकरी वाले बाप का बेटा है। ठीक है, मैं चलता हूँ, थोड़ा रेस्ट कर ले, मैं जब तक सामान लेकर आता हूँ फिर जाना इकट्ठे कर लेंगे, बर्तन धो लेंगे और बेहतरीन कर लेंगे। ओके ओके।